गुंटूर लाइन में लाल मिर्च की फसल में वायरस लग जाने तथा निर्यातकों की चौतरफा लिवाली से सर पर तेजी का रुख बना हुआ है तथा अभी 20 से 30 रुपए किलो की और तेजी का आसार बन गए हैं। गुंटूर, बांगल, दुग्गीराला, कड़प्पा के साथ साथ तेलंगा के अन्य क्षेत्रों में लाल मिर्च की फसल को जनवरी के मध्य से वायरस लग जाने से फसली खराब हो गई है। लगातार बरसात होने से क्वालिटी भी काफ़ी खराब आई है, जिससे सकल उत्पादन में भी भारी कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव होने से निर्यातक भी लगातार हर भाव में माल खरीद रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में लाल मिर्च के ऊंचे भाव होने से सीमावर्ती मंडियों में लगातार माल जा रहे हैं। उधर बांग्लादेश में भी स्टॉक नहीं है, वहाँ पहले ही पुराने माल कट चुके हैं। इधर नेपाल में भी बिहार के रास्ते माल जाने लगा है। पाकिस्तान से लगती पंजाब की मंडियों में भी हाजिर में माल की कमी होने तथा कुछ माल वहां लोकल में चले जाने से शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि बठिंडा अमृतसर सहित अधिकतर मंडियों में बाजार तेज हो गए हैं। इधर राजस्थान की जयपुर मंडी काफी ऊंचे बिकने से गुंटूर लाइन से दिल्ली NCR में भी लाल मिर्च कम आ रही है। यही कारण है कि 10 रुपए और बढ़कर तेज माल 200 से 230 रुपए तथा फुल कट तेजा का माल 250 से 270 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।